नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 64वें दिन सर्वे किया गया, क्या कुछ रहा, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। कल 64वें दिन था, कल चूँकि शुक्रवार था तो प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक का सर्वे का समय था, जिसमें गर्भगृह में और उत्तरी भाग में और बिल्डिंग के दक्षिण भाग में मिट्टी हटाने का कार्य चला। गर्भगृह में एक ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ था जिसमें कई ऐसे चिन्ह बने हुए थे, और उत्तरी भाग में दो टुकड़े पत्थर के प्राप्त हुए थे खम्भों के, जिसमें सांस्कृतिक चिन्ह बने हुए थे जिन्हें सर्वे टीम ने अपने उसमें लिया। अच्छा, कल 64वां दिन था, शुक्रवार भी था, क्या कुछ रहा कल और आज 65वां दिन? कल चूंकि शुक्रवार था तो सुबह 6 बजे टीम अंदर आई और 12 बजे तक टीम ने काम किया। वही उत्तर की तरफ जो लेवलिंग के नाम पर खुदाई चल रही थी वो कल जारी रही। करीब 4 फीट तक उन्होंने लेवल के हिसाब से जो एक उनका माप और लेवलिंग उतारी है वो 4 फीट खुदे चले जा रहे हैं, और उसके अंदर भी एक ट्रेंच उन्होंने लगाई थी पिछले 3 दिनों से, मैं बता रहा हूँ उस बारे में, उसको करीब करीब उन्होंने 13 से 13.5 फीट तक खोद लिया है। उसमें भी कुछ खास नज़र नहीं आया है, वही बेस और वही चीज़ें जो कॉर्नर वाले गड्ढे में उन्होंने निकाली थी वही चीज़ें और बेस तक वो लोग पहुँच गए हैं। वही ईंटों का बेस बना हुआ है, वही ऊपर पत्थर की एडिंग की गई है, और दक्षिण भाग में कुछ एक जो ट्रेंच थी उसकी क्लीनिंग ब्रशिंग की गई, और अंदर की तरफ मॉन्यूमेंट में जो ट्रेंच चल रही है 3 लेयर दीवारों की उसमें क्लीनिंग ब्रशिंग और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पिछले 3 दिनों से वो लोग कर रहे हैं। कल भी वही किया उन्होंने, उसकी खुदाई बंद है पिछले 4 दिन से। और कल मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांध के विरोध भी किया, मौन प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हर नमाजी का, हर जनप्रतिनिधि का और सभी का अधिकार है इस मस्जिद पर और इस परिसर पर, चूँकि उनका कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है। वो भी लोग आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने, शुक्रवार के दिन देख रहे हैं कि जगह जगह खुदाई की जा रही है, जगह जगह मतलब नमाज़ पढ़ने का जो हमारा स्थान है उसको कम पे कम किया जा रहा है दिन पे दिन, चूँकि धूप भी बहुत अपने स्तर पर गिर रही है और गर्मी भी अपने स्तर पर गिर रही है। तो जो छाँव की जगह मेन जहाँ नमाज़ होती है आगे की तरफ, वहीं पर वो लोग खुदाई कर रहे हैं, और उस ट्रेंच को करीब करीब उन्होंने 40x30 तक का एरिया लगभग कवर कर लिया है। तो उसमें नमाजियों की संख्या में भी दिक्कतें आ रही है, कुछ नमाजी भी घटे हैं, और नमाजियों का कहना यही है कि कम से कम इस तरह की खुदाई ना की जाए कि जिससे हमें दिक्कत हो, हमारा अधिकार का हनन हो। तो उस हिसाब से कल उन्होंने काली पट्टी बांधकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई गाइडलाइन दी है तो आप लोग अधिकारी हैं उसका पालन करिए, और बाकी हम लोग हमारे स्तर से तो कोर्ट में जा ही चुके हैं, कोर्ट के समक्ष ये सारी आपत्तियाँ हमने रेज कर दी है, उसको नोटिस भी किया है कोर्ट ने, और SI से जवाब भी मांगा है। तो SI अपना जवाब अभी तक पेश नहीं किया है, अगली तारीख तक हो सकता है SI अपना जवाब पेश करे, उसमें जो भी आगामी आदेश होगा वो जनता के समक्ष होगा, और कोर्ट जो भी सम्मान्य कोर्ट जो भी फैसला देगी वो सर्वमान्य होगा। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। यह विरोध क्योंकि सर्वे हाईकोर्ट के आदेश से जिन नियमों के शर्तों के आधार पर आदेश पारित जारी हुआ है, सर्वे टीम उसका पालन करते हुए अपना कार्य कर रही है, लेकिन देखने में आया है कि समय समय पर मुस्लिम समुदाय द्वारा अपना विरोध प्रकट करना, कोर्ट में आवेदन लगाना और यहाँ ज्ञापन देना, कलेक्टर को काली पट्टी लगा विरोध करना, इसका सबका अर्थ ये है कि सच सामने आने देना नहीं चाहते, क्योंकि सर्वे से निश्चित ही सच सामने आने वाला है। एक तरफ काजी जी कहते हैं कि हम शहर की शांति, अमन और देश की शांति के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसी भोजशाला में शुक्रवार को नमाज और पूजन होता है तो शहर की कई बार शांति भंग हुई थी, उसी शांति स्थायी बनी रहे इसके लिए ही तो कोर्ट में आवेदन दिया है कि सच सामने आ जाएगा तो पता पड़ जाएगा। अगर उसमें मस्जिद के सबूत मिलेंगे तो इसका टाइटल मस्जिद हो जाएगा, और मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे तो मंदिर हो जाएगा, जिससे शहर में स्थायी शांति हो जाए। पर ऐसा लगता है कि ये इन्हें पता है कि सच क्या है, क्योंकि इनके पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य निश्चित सामने आएंगे सत्य से, कि जिस प्रकार हमले होकर इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था और मंदिर के साक्ष्य छुपाए गए थे, आज सर्वे से वो सत्य सामने आएगा। उस सत्य से डर कर ये बार बार विरोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सर्वे रुक जाए, लेकिन सर्वे में कहीं भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि पालन नहीं हो रहा है। वह सर्वे टीम अपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटों से ही अपना सर्वे कार्य कर रही है, किसी को हानि नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी मिट्टी हटा दी गई है जिससे बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, तो इतने सालों में जो गाद जम गई थी भोजशाला के आसपास, 7 फीट हो गई थी वो,
अभी तो गाद हटी है, अभी तो नींव तो आई नहीं है, अभी तो बिल्डिंग की नींव आना बाकी है। तो अभी तक केवल जो कचरा इकट्ठा हो गया था, जो जमा हो गया था, उस कचरे को जमा और हटाया गया वहाँ से, ना कि किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग को नुकसान करने वाला कोई कार्य हुआ है। ये निश्चित ही यह सर्वे सच सामने आएगा, उस सच को रोकने के लिए ही इस प्रकार के विरोध कर रहे हैं।